अजाब गजाब घर जमाई। डॉली बेटा, पूजा की तैयारी हो गई करवा चौथ की? जी मम्मी, बस चली रही है। कल तो करवा चौथ है, विज्ञान जी हमें तोहफा देने वाले हैं कल। तुम क्या लेने वाली हो तोहफे में चिंटू जी से? डॉली, ये हार कैसा है? ये तो बहुत ही सुंदर है, देखिए ना मम्मी। ऐसा ही हार ना बालिका वधु में आनंदी जी ने पहना था। ये देखिए तो मैंने कैलाश जी से कहा और अगले ही दिन वो मेरे लिए ऐसा ही हार ले आए। तो क्यों ना हम भी ऐसा ही हार तोहफे में मंगवा ले। हाँ, बढ़िया रहेगा। अच्छा है, अच्छा है। तुम लोग बातें करो, हम अभी आते हैं। जी हाँ, अच्छा है। हाँ। डॉली, मैं ये पूछने आई थी कि कल तुम वो कल डॉली अपने चिंटू जी से करवा चौथ के तोहफे में कार मांगेगी, है ना? मैं ये बेकार सवाल क्यों पूछूंगी? मैं तो ये पूछने आई थी कि वो तुमसे जो करवा चौथ के लिए बिंदी मंगाई थी लाल वाली, वो तुम लाई हो ना? ओ हाँ, हम लाए ना दीदी, अभी ना। वो एक्चुअली ना ये लाल बिंदी मेरे महान जी को बहुत पसंद है। अच्छा, ये लीजिए, करवा चौथ में लगाऊंगी। टाटा टाटा। अच्छा मेनका, ये बता कि तूने लाल दीदी को ऐसा क्यों कहा कि हम चिंटू जी से कार मांगने वाले? डॉली, तू ना बड़ी भोली है। तेरे जो प्रीतम प्यारे है ना, वो बहाने से सबको तुझे पूछने भेज रहे हैं, क्योंकि उन्हें जानना है कि तू उनसे आखिर मांगने क्या वाली है। हम क्या मांगने वाले हैं, ये तो हम भी नहीं जानते। मेनका, तू ही बताना हमें राज पिछले जन्म का कि हम क्या मांगे। डॉली, तू सब्र के साथ एक पैकेट उम्मीद तो रख, शाम तक तुझे सब बता दूंगी। पक्का? पक्का। हाँ, कहो पड़ेला। मालकिन जी, सब कुछ नियम से चल रहा है, सब लोग करवा चौथ की तैयारी में लगे, बस चिंटू जमाई इस जुगत में है कि डॉली दीदी को कल करवा चौथ में गिफ्ट कौन सा दे। ध्यान रखना बड़े लाल, चिंटू को उपहार देना है, कहीं हमारे पैसे ना खर्च कर दे। नहीं मालकिन, मेरे तो ऐसा कभी नहीं हो। आजकल मैं रसोई में सिर्फ सुबह और शाम में रहता हूँ, बाकी पूरा समय मैं चिंटू जमाई जी के आस पास ही रहता हूँ। भैया एक मिनट, दोपहर का खाना कौन बनाता है? अरे जाओ, पता है हमको, जाओ चल। अजाब गजाब घर जमाई।